आज मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल बताने वाला हूँ, सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट, SEEBEK, सीबेक इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे बेटा सीबेक, उन्होंने दो वायर्स लिए। उन्होंने क्या किए, दो वायर्स लिए, दोनों कैसे, अलग अलग मटेरियल के। साइंटिस्ट ने क्या किया, दो वायर्स लिए अलग अलग मटेरियल के। सपोज करो एक कॉपर का है तो एक आयरन का है, अलग अलग मटेरियल्स के दो वायर लिए। और उन्होंने क्या किया, इन दो वायर्स को जोड़ दिया कुछ ऐसे। इन्होंने क्या किया, इन दो वायर्स को जोड़ दिया कुछ ऐसे। ये अलग अलग कलर्स के वायर हैं, आपको दिख रहा होगा, कह सकते हैं कि इनका मटेरियल अलग अलग है, तो इनको कुछ इस तरह से जोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट मिले उन्हें दो, जहां पे वायर्स मिल रहे हैं, इन्हें कहा गया जंक्शन। ये जो दो वायर्स हमें मिल रहे हैं, दो जंक्शन हमें मिल रहे हैं, जहां दो वायर्स एक दूसरे को मिल रहे हैं, उन्हें कहा गया जंक्शन। क्लियर है? तो मेरे पास दो वायर्स हैं, कैसे हैं, अलग अलग मटेरियल के हैं, उन्हें कुछ इस तरह से जोड़ा गया है और दो जंक्शन बनाई गई है। क्लियर है? तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब भी जंक्शन फॉर्म हुई कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये चालू हो रहा है सीबेक इफेक्ट। इसी एक जंक्शन को हॉट किया, गर्म किया, ये सपोज करो हॉट जंक्शन है, और किसी एक जंक्शन को ठंडा रखा। दो जंक्शन है आपके पास, एक जंक्शन को गर्म कर दीजिए और एक जंक्शन को ठंडा रखिए। क्लियर है? क्या करना है, दो अलग अलग मटेरियल्स के वायर लेना है, दो जंक्शंस बनाना है, एक जंक्शन को हॉट रखना है और एक जंक्शन को कोल्ड रखना है। क्लियर है? तो जब हमने जंक्शन को, एक को हॉट और एक को कोल्ड रखा, तो इन्होंने देखा कि इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगी। करंट कितनी बही, क्यों बही, ये सब बात की चीजें हैं। पहले फेनोमेना समझिए, क्या किया, एक जंक्शन को हॉट रखने पर और एक जंक्शन को कोल्ड रखने पर क्या देखा गया, कि सर्किट में करंट फ्लो होने लगी। क्लियर है? तो कुल मिला के जंक्शन का टेम्परेचर अलग अलग रख के इन्होंने करंट को प्रोड्यूस किया। इस करंट को नाम दिया गया थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। ये जो थर्मो, ये जो वायर्स में से करंट फ्लो हो रही है, ये क्या कहलाई, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। ये जो दो वायर्स लिए मैंने, ये कहलाए थर्मोकपल, ये कहलाए थर्मोकपल। क्लियर है? और ये पूरा फेनोमेना कहलाया सीबेक इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूरा फेनोमेना कहलाया सीबेक इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? एक बार और समझिए, दो वायर्स लीजिए डिफरेंट मटेरियल के, उन्हें इस तरह से जोड़ के दो जंक्शन बनाइए, एक जंक्शन को हॉट रखिए, एक जंक्शन को कोल्ड रखिए। क्लियर है? तो क्या होगा, इस सर्किट में से करंट फ्लो होने लगेगी। क्या कहलाएगी वो करंट, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाएंगे ये दो वायर्स, थर्मोकपल। और ये पूरा फेनोमेना क्या कहलाएगा, क्लियर है, सीबेक इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरह से उन्होंने जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करके करंट को फ्लो किया। ये फेनोमेना कहलाया सीबेक इफेक्ट।